अच्छा ठीक है सुन, मैं अवार्ड में पहुंच गया हूं, तू बाद में फोन कर। भाई साहब आप कौन है? हेलो, माई सेल्फ प्रोड्यूसर रोहित करण एकता चोपड़ा। भाई साहब आप तो अपने आप में प्रोड्यूसर गिल्ड हैं। अब आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप वहाँ पे जाके बैठ जाइए। नहीं मैं बैठ नहीं सकता। क्यों, इंजेक्शन लगवा के आए? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जरा जल्दी में हूँ। क्या है कि मैं एक बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल फिल्म बनाना चाहता हूँ जो कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, कम से कम 500 करोड़ कमाए। 500 करोड़? आप एक काम करो, आप ऋतिक रोशन को साइन कर लो। कहाँ है? अरे अरे ऋतिक सर, क्यों नहीं क्यों नहीं। अच्छा लेकिन एक बात बताइए जी, ये ऋतिक सर ज्यादा पैसे तो नहीं लेते ना? नहीं ज्यादा नहीं लेते, कभी कभी तरस आ जाए प्रोड्यूसर को, दे भी देते हैं। कैसा फालतू का सवाल पूछ रहे हैं, कोई एक्टर बिना पैसे काम क्यों करेगा? और उनकी हाइट देखी आपने? आपको तो कम से कम उनको 2 बार साइन करना पड़ेगा। एक बार यहाँ तक का कॉन्ट्रैक्ट अलग बनेगा, ये उसके नीचे वाला अलग बनेगा आपका। ऐसी बातें कर रहे हो आप? भाई साहब मुझे 500 करोड़ कमाने हैं, 500 करोड़ लगाने नहीं है। भाई साहब मेरा बजट थोड़ा कम है। बजट कम है? हाँ। आपको देख के लग रहा है आपके माता पिता का बजट भी कम ही था थोड़ा। देखिए आप एक काम करिए, आप एक ऐसे हीरो हीरोइन को कास्ट कीजिए जिनका आपस में अफेयर चल रहा हो, पब्लिक को देखने में भी इंटरेस्ट होगा और भी मजे आएंगे, और चाहे तो आप वैनिटी भी एक ही दे देना उनको। फैंटास्टिक आइडिया यार, फैंटास्टिक, यही करता हूँ। अच्छा भाई साहब जी, और एक छोटा सा काम कर दीजिए ना जी। देखिए ना कितनी फैंटास्टिक ब्यूटीफुल सेक्सी हीरोइंस बैठी हैं, इनमें से किसी एक को मेरी फिल्म के लिए साइन करवा दो ना यार। आपका दिमाग तो नहीं खराब है, ये पता कितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं और कितनी मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक पहुंची हैं। जानता हूँ भाई साहब जानता हूँ, मैं भी जब आया ना तो मुझे भी ट्रैफिक बहुत मिला, 3-4 मेटल डिटेक्टर से मैं भी गुजरा हूँ भाई। तो अजीब इंसान हो, मेरी बात नहीं समझ रहे हो, ऐसे लगता है ढीठ किस्म के प्रोड्यूसर हैं। ये ऐसे मानेंगे नहीं, कौन सी हीरोइन साइन करना चाहते हैं बताइए मुझे। यहाँ पे एक से बढ़ के एक हीरोइन यहाँ पे बैठी हुई है, वो प्रियंका चोपड़ा। ट्राई करने में क्या, प्रियंका चोपड़ा साइन करनी है? हाँ। तो जिस पेन से साइन करेंगे वो भी आपसे बड़ा होगा, आपको पता है। मैं आपको, हाउ आर यू प्रियंका? नाइस टू मीट यू एवरी टाइम। आप क्यों इतना तैयार हो गया जी? ये अभी आपने इनको एक डायलॉग बोल के दिखाना है, भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबरी करेगी। और खड़े होके थोड़ा रोमांटिक वे में बोलना है आपको कि भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबरी करेगी। गोबर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा चाहिए थी आपने। पर आपको ये पसंद आई? हाँ पसंद है। सारी दुनिया को पसंद आ रही है, आपको अलग है। फोन लाइए, आपको इस सेक्सी अंदाज के लिए आपको ये फोन गिफ्ट दिया जाता है, वर्ल्ड का सबसे सेक्सी फोन, ये चेक कर सकते हैं आप, आपको दिया जाता है। वैसे तो आप इतनी अमीर हैं, अगर नहीं रखना तो मुझे दे दीजिए। थैंक्स कपिल। नो प्रियंका, इट्स फॉर यू ओनली फ्रॉम माय साइड, कीप मिसिंग मी, आई ऑलवेज। माय प्लेजर। बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप, ये ऑरेंज कलर की ड्रेस नागपुर से बनवाई है आपने? बहुत प्यारी लग रही हैं आप हमेशा की तरह, जीती रहें, खुश रहें, ऐसे ही तरक्की करती रहें। थैंक्स कपिल। थैंक यू प्रियंका। थैंक्स कपिल। Can I have a mic back, please? You asked me for it, Kapil. Lisa Haydon. Lisa, can I ask you something? अगर ये लंबा होता है, जो उठाना ही पड़ता है, तो पहले क्यों नहीं छोटा बनवा लेती? Why do you punish me like this? You are looking beautiful. सब माफ है, तो 10 कतल माफ है आपको. Thank you. You're looking beautiful yourself. I actually came because you were hosting. How sweet. ऐसे मत बोला करो, गरीब आदमी मर जाता है, इतनी खुली चीजें मिले ना उनको नहीं बर्दाश्त होता। आप नहीं समझती हमारी प्रॉब्लम। Okay, shall I give the award away? Yes, please. Okay, and the award for best actress in a drama series goes to Deepika Singh for Diya aur Baaki Hum. थैंक यू। मेरे जितने भी फैंस हैं जिन्होंने मुझे बेस्ट एक्ट्रेस के लिए शो के इतने सालों बाद भी मुझे नॉमिनेट किया, आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे इतने पॉजिटिव लोग मिले हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपका दिया जलता रहे, तेल कम ना हो कभी भी।
पर आप कहां भाग रही, क्या हो रहा है? माहौल ठीक है हिंदुस्तान में, बैठिए आराम से। कई बार जानबूझ के भी करती हैं, थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लें, जानबूझ के बीच में से निकलती हैं। वेर इज अक्षय सर, इज ही फाइन? बैठी है, हमें पता है, कोई बात नहीं। टीवी एक्टर्स का काम जो है वो एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है। लाइनें भूल जाता आदमी तुम्हें देख के। टीवी एक्टर्स का काम जो होता है वो एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि लड़कियों के पास तो फिर भी डायलॉग्स होते हैं, लड़के तो कई बार दो दो हफ्ते रिएक्शन से काम निकाल लेते हैं, बीच में एक आध लफ्ज आता है बाबूजी। अच्छा बाबूजी पे ऐसे रिएक्शन देते हैं जैसे बाबूजी को मां के कपड़ों में देख लिया हो। सो टू प्रेजेंट दिस अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन ए ड्रामा सीरियल, मैं स्टेज पे किसी को नहीं बुलाना चाहूंगा बिकॉज माय फेयर लीजा इज ऑलरेडी देयर। Best actor in a drama series goes to... Where goes? Mohit Raina for Devo K. Oh! Devang Mahadev. Good evening, ladies and gentlemen. I've won many awards for my portrayal of Lord Shiva. But every time I used to wonder when will I get the Guild Award. So definitely this is a special one, a prestigious one. Thank you so much for all. Thank you so much, ladies and gentlemen. मैंने सिर्फ सुना था कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं हर चीज में पैसा बचाना बखूबी जानते हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया, आप कोई भी अवार्ड शो देख लो उसमें हमेशा दो होस्ट होते हैं। आज ये अवार्ड फंक्शन क्योंकि प्रोड्यूसर्स गिल्ड करवा रही है तो सिर्फ एक ही होस्ट, कमाल है। अगर आपने मुझे सुंदर सी को होस्ट दी होती तो शायद मैं 200-400 जेब से भी दे देता, पर नहीं, काश मेरी किस्मत में भी कोई खूबसूरत सी को होस्ट होती, पर क्या करें। हेलो कपिल। हाय, कमाल है, पैसे बचाने की बात की तो को होस्ट की आवाज भी आने लगी। How are you, Jacqueline? I'm very good. Thank I was you. Just missing you. Did 5 you minutes back, yeah. ये दुल्हन बनके क्यों आई हो? मेरे ख्याल से उसने ये नीचे वाला कपड़ा थोड़ा ज़्यादा नीचे लगा दिया। Kapil, I have a question for you. Yeah, why not? Who is hosting the show tonight? I is नहीं होता, I am होता है। But I'm trying to say that my eye is on you. I'm waiting for you. You know, I was waiting for your long. Because we both love English. My English is actually better than yours. मतलब better कैसे? It's correct English. Correct English क्या होती है मतलब? I'll teach you. मैं आपको सिखाऊंगी. मैं why not? ठीक है. So if you want to call me next to you, how will you call me? Come here. Oh, not bad. जोर दा तालियां. Come here, you sir. If you're standing here and you want me to stand over there, then what will you tell me? Come here. मेरा दिमाग थोड़ी खराब है, इतनी खूबसूरत लड़की कहूंगा go there? मेरे को पागल को तो नहीं काटा है? वैसे जैकलिन की इंग्लिश इतनी अच्छी है, ये फिल्में भी इंग्लिश ही करती हैं। रेस टू, मर्डर टू, हाउसफुल टू, आई लव यू टू। क्या? You're looking very beautiful as usual. I don't understand what you're saying. मेरी इंग्लिश इसको समझ में नहीं आएगी, इसकी हिंदी मुझे नहीं आएगी। एक ही लैंग्वेज है जो हम दोनों को एक दूसरे के करीब ला सकती है, वो है क्रिकेट की भाषा। तो मैं आपको क्रिकेट की भाषा में बताना चाहता हूं कि मैं आपके प्यार में क्लीन बोल्ड हो चुका हूं, मुझे वर्ल्ड कप समझ के किस कर दो। इंडिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, और मैं वहां जाकर उसे किस करूंगी। तुम घर बैठकर और टीवी पे देखना। अच्छा, लोहे की ट्रॉफी को ऑस्ट्रेलिया जाके किस कर देगी? अच्छा वाला हार्ड मास का आदमी यहाँ पे खड़ा, उनको ऑस्ट्रेलिया में कैसे जाके मैं देखूंगा? यहाँ पे दिन होता, वहाँ पे रात होता, 3-4 बजे उठ के मैच कैसे देखेंगे हम लोग? क्रिकेट के दीवाने हो और टाइम के मिसमैच से डरते हो? मिसमैच से तो नहीं डरता हूँ, कोई मिस मेरे साथ मैच खेलने को तैयार तो हो? ऐसा मैच खेलूंगा 2020 को 5 दिन तक ना खेला तो फिर कहना। लेकिन ये मिस तो तुमसे मैच नहीं होगी।
ओके, ये गेम ही टेस्ट का, टेस्ट का, टेस्ट का, ठीक है फिर हम लोग अपना काम करते हैं. मेरा मुझे लगता है काम बनने नहीं वाला. एक्सक्यूज मी. एक्सक्यूज मी, हेलो, कहाँ आगे बढ़ते हैं? अकेली आगे बढ़ती जाओ तुम. ओह माय गॉड, फर्स्ट रो में द ग्रेट आर्टिस्ट कपिल शर्मा के दोस्त मनीष पॉल भी बैठे हुए हैं. ये मनीष या तो कोई फंक्शन होस्ट कर रहा होता है तो या घुस जाता है. आज इसको इतना जरूरी अपना मोबाइल का बिल पे करना था लेकिन उसके बावजूद आया मेरा भाई प्रोमो कटवाने अपना. इनका काट लो भाई पहले. यस, अभी क्या आगे बढ़ रहे हैं? आपको इतना नहीं पता जब कोई आता है तो उसको हाय कहते हैं. हेलो, आई सेड हाय. यू इंग्लिश इज सो वीक. कौन से स्कूल में पढ़ी हो तुम? है अरे यार, साफ क्यों मिल रहा है फिर भी? तो मुझे लग रहा है कुछ भूल रही हो रागनी तुम भी ना यार. कहाँ है? हाय कपिल. है? हाय. पक्का यही था? भूल. मैं भूल. तुम लगता कुछ भूल रही हो, कुछ रागनी या वगैरह समथिंग. लिपस्टिक इज ओके, कॉस्ट्यूम इज फाइन, हेयर भी ठीक है. मतलब क्या, मुझे तो सब कुछ याद है यार. तुम एक काम करो, अपना खाना कम करो, सलाद बढ़ाओ थोड़ा. अच्छा, थोड़ा ककड़ी वकड़ी खाया करो. okay. थोड़ा फाइबर दिमाग में जाए तो. तुम लड़कियों को यही सब आता है क्या? हमारे वहां पे जो उगती है ना ककड़ी, उनमें फाइबर होता है. प्लीज. वैसे मैं सोच रही हूँ. कुछ भूल रही हो तुम यार? मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, तुम समझ नहीं रही हो. तुम प्रॉम्प्टर क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मैंने जिंदगी में नहीं कभी पढ़ा पैदा होने से पहले. मैं कहाँ प्रॉम्प्टर पढ़ता हूँ. यस मनीष, यू कैन अंडरस्टैंड माय फीलिंग ब्रदर. यार तुम्हें इतना नहीं पता कि एक हैंडसम आदमी आया है, थोड़ा उसकी तारीफ भी करो कुछ. अच्छा ठीक है. सीधा मुंह पे बेइज्जती. बेदी साहब कैसे हैं? हाय कपिल. हाँ जी. लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से स्वागत करें धुआंधार कॉमेडी के बादशाह, द बेस्ट होस्ट कपिल शर्मा का. शुक्रिया. तुमने टांग नहीं दिखाई, वेरी बैड. थैंक यू रागनी, तुमने जो मेरी तारीफ की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारी इंडस्ट्री में एक कलाकार जब दूसरे कलाकार की तारीफ करता है तो या तो वो दिल से उसका फैन होता है या उसको स्क्रिप्ट में लिख के दिया होता है. एंड ट्रस्ट मी, यू रीड इट वेरी वेल रागिनी. इंग्लिश माइंड ब्लोइंग है कि नहीं? या ओबामा सर भी यही कहते हैं. एक्चुअली मेरी इंग्लिश सुपर्ब नहीं, सुपरमैन की तरह है जो पब्लिक के ऊपर से निकल जाती है. नहीं, बात कई लोगों को समझ आती है. खैर इट्स ओके. तुम ना आते ही शुरू हो गया. मैं तो जब दुनिया में आया था तभी शुरू हो गया था. अच्छा, अभी ना एकदम से थोड़ी अटेंशन जो होती है डाइवर्ट हो जाती है, खास तौर पे जितने भी हमारे मर्द यहाँ पे बैठे हुए अवार्ड फंक्शन में. अच्छा वाला फंक्शन चल रहा होता है, जब कोई खूबसूरत लड़की एंटर करती है ना सबके मुंह यूं हो जाते हैं. हमारी वाली भी अच्छी लग रही है जो हमने पर्सनली खड़ी की है यहाँ पे. मैंने रागनी को नॉर्मली चलते हुए देखा, वैसे आमतौर पर ऐसे ही चल के आती है यूं. लेकिन जब अवार्ड फंक्शन में एंट्री लेनी होती ना, ये पता नहीं सबको क्या हो जाता, थोड़ा सा लहंगा उठा के ना. तुम लोग पहले ही थोड़ा नीचे से कटवा लो उसको, क्यों लंबा पहनती हो? यार कपिल, मुझे चल के दिखा दो, मैं सीख लेती हूँ तुमसे. मुझे कैटवॉक करके दिखाओ. चलो. सॉरी. कम ऑन गाइस, गिव इट अप फॉर कपिल. थैंक यू वेरी मच एंड गेट लॉस्ट. तुम्हें कभी किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट देना नहीं आता ना? कभी किसी को कहा है कि तुम हॉट हो या ब्यूटीफुल हो? मुझे समझ में नहीं आता हॉट कैसे. कब मैंने कल एक लड़की को बोला, वो भी तुम्हारी तरह थोड़ी इंग्लिश वीक थी उसकी. ओह. She was very low in English. I told her that yesterday your temperature is very high. And she said I am normal. उसको बेवकूफ को पता चला मैं उसको हॉट बोल रहा हूँ. होता है. मेरे बारे में आपके कुछ विचार हैं? Normally you are 98 actually, but you maybe go behind the 101 degree actually. Maybe function खत्म होने तक you will become a, you know, like a pizza oven. Somebody can make a pizza on your forehead. And you are just beautiful, yeah. क्या बात है. थैंक यू कपिल, तुम तो सीरियसली मेरी तारीफ करने लगे. मैं तो ऐसे ही मजाक से पूछ रही थी यार. अच्छा, मजाक भी तुम करोगी? है, मैं क्या वड़ा पाव खाने आऊं यहाँ पे? मजाक भी अब सारा कुछ यही करेंगी अब. जहाँ तक मेरा अंदाजा है. अंदाजा बड़ा लगाते हैं इंडिया तुम में. तुम यहाँ होस्ट करने आए हो? हाँ तो वो चल रहा है वो. देखो भाई साहब, अच्छा ये देखो, आपकी बेटी है आपकी? है, बीवी को क्यों नहीं पकड़ाते? शादीशुदा आदमी देख ला बच्चे पिला. और बीवी भी, मैंने देखा है एक दो साल तक ही बच्चे को संभालती, बाद में पति की गोद में बिठा देती. लो तुम्हारा भी उतना ही हाथ है इस साजिश में.
एनीवेज अंदाजे की बात चल रही थी। हमारे हिंदुस्तान में लोग अंदाजा बड़ा लगाते हैं, घर में चार चार घड़ियां पड़ी होती फिर भी सोच रहे होते यार साढ़े नौ लगता हो गया, दियार बाती खत्म हो गया है, सभी घरों से हंसने की आवाज आ रही, लगता है कॉमेडी नाइट विद कपिल शुरू हो गया। ऐसे ही जब कोई और प्रमोशन नहीं करता तो हम लोग खुद प्रमोशन करने में विश्वास रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अंदाजा लगाना भी एक हुनर है कपिल, लेकिन ये हुनर एक जगह बिल्कुल काम नहीं करता है, वो है क्विज शो में। आई लव क्विज शोज एक्चुअली, मेरी तो जनरल नॉलेज इतनी पक्की है, मैं क्विज शो में चला जाऊं तो पक्का जीत के आऊंगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं। अच्छा तो मैं तुम्हारी जनरल नॉलेज जरा टेस्ट करना चाहूंगी। yes. बताओ पानीपत में कितनी लड़ाई हुई थी? चार। बड़ी बेकार है यार, पानीपत में तीन लड़ाइयां हुई थी। मेरे मामा की जब बारात गई थी पानीपत में, हमने दारू पी के जो लड़ाई हुई वो चौथी लड़ाई कौन गिनेगा। हमेशा किताबी ये बुक वॉर्म्स, अरे बड़ी हुई उसके बाद तो, उसके बाद तो सब्जी वालों ने सड़क के ऊपर ठेले लगाने शुरू कर दिए, पुलिस आई उन्होंने कहा हटाओ, उसके बाद में उनकी फिर लड़ाई हुई, पांचवी लड़ाई मैंने तुम्हें बताता नहीं हूँ, अभी लड़ाइयां तो बड़ी हुई है यार। तुम्हारे जैसे गेस्ट को ना कोई अपना... मैं क्यों करूं भाई? अच्छा ठीक है मैं कर देती हूं, लेकिन मैं अगर तुमसे ज्यादा काम करूंगी मुझे ज्यादा अच्छी पेमेंट मिलनी चाहिए, कबूल है? बोलो। मैं क्यों बोलूं, जिनका शो कबूल है वो डेढ़ साल से खुद नहीं बोल रहे हैं। एक तो ये सीरियल वाले चुप रह के स्टोरी लंबी करते रहते हैं, सास अगर बहू को वैसे किसी गलती के लिए डांट दे तो वो चुप रहती है, फिर उसका ससुर, तीनों देवर, तीनों देवरानियां, जेठानियां, पांचों ननद, रामू काका, माली, ड्राइवर, सब उसे डांटते ना देते, जब तक तब तक वो चुप रहती है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, तुम्हें पता है मेरे पास एक ऐसी जादुई शक्ति है जिससे मैं पूरी दुनिया में नजर रख सकता हूँ। वेरी फनी, ऐसी शक्ति सिर्फ सलमान खान के पास है। अरे वो तो 10-12 लोगों में नजर रखते ना, मैं तो पूरी दुनिया में नजर रखता हूँ, और मेरा इस काम में हेल्प करते हैं हमारे न्यूज चैनल्स जो मुझे 24 घंटे देश विदेश की लेटेस्ट खबरें देते रहते हैं। कल ही मैंने न्यूज में देखा कि एक चाइना के किसी आदमी ने 100 शादियां की। वो तो इसीलिए ना क्योंकि चाइना के माल की ज्यादा गारंटी नहीं होती। और वैसे भी इसमें जादू क्या है? जादू क्या है नहीं, मैं ये देख रहा हूँ जिन्होंने एक एक की उनका ये हाल है, ये देखो बच्चे संभाल रहे, जिसने 100 की उसका तो बेड़ा गर्क हो गया होगा। देखिए मेरे अंदर बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें किस तरह के कैरेक्टर्स पसंद हैं। आई मीन आई लाइक वैम्प्स। Vamps? Yeah. एक तो वो हीरोइन से हमेशा हॉट होती हैं। हीरोइन तो बेचारी वही लगती कि चपातियां बनाती हुएगी जाके अंदर आलू गोभी उबालेगी, ये वैम्प जो होती हैं ये इनको देख के लगता है काम कोई नहीं करती। और आपने कभी देखा होगा जो वैम्प होती है ना वो बड़ी फ्रैंक होती है, बेसिकली अच्छी नेचर की होती है, ऐसा लगता है कोई भी जाके इनको फ्रेंडशिप का ऑफर करेगा तो मान जाएंगे झट से। दूसरी बात, इनकी कभी आप लिपस्टिक खराब होती नहीं देखेंगे क्योंकि सारे डायलॉग मन में बोलती हैं, आज इसको पता चलेगा, उसका अंदर ही चलता रहता है कुछ ना कुछ। ऊपर से इनकी आंखों के एक्सप्रेशंस आप देखिए, कभी हमेशा आंखें खुली रहती हैं, मैं तो यही सोचता रहता हूँ ये बता क्यों नहीं देती किसने क्या देखा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं आपका अपना ही मैं जेन्युइनली मिला है आपको। मैं वहां अपनी दोस्त से यही कह रही थी कि अगर मुझे ऊपर जाना पड़ा तो मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। बाय आशिका, आई लव यू सो मच। बाय। क्योंकि माफ कीजिएगा, मेरी मम्मी ने कहा कि आप कपिल से शादी कर लो, आपको जीवन भर हंसाएगा तो... और जो आप मुझे जीवन भर रुलाएंगी वो हीरो कौन होता है? कौन होता है? जो विलेन का सामना करे, उसे घूसे मारे, उसके साथ फाइट करे। यार नहीं यार ऐसी बात नहीं, विलेन भी अच्छे होते हैं, बड़े निकेतन देखो मन का कितना अच्छा बेचारा वैसे विलेन बन गया। मैं नहीं मानता हूँ यार, मैंने एक बार विलेन से पंगा ले लिया था इसी चक्कर में कि हीरो बनूं। Really? हाँ। फिर क्या हुआ उसके बाद? आज तक कॉमेडी कर रहा हूँ, नहीं हो रहा कुछ और। बताओ तुम लोगों को इतना एंटरटेन करते हो, तुम इतने कूल डूड हो, तो तुम खुद एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो? मैं न्यूज चैनल देखता हूँ। Really? हाँ, अब मैं आपको सच में बताता हूँ कि आजकल कुछ न्यूज चैनल जो हैं वो ऐसे भी हैं जो न्यूज कम देते हैं एंटरटेन ज्यादा करते हैं, बैक टू बैक 27 बार एक ही चीज दिखाते हैं, गोभी बहू के हाथ से गिलास गिरा, गोभी बहू के हाथ से गिलास गिरा। अबे तू देख रहा है तो खुद जाके उठा लेना, हमें क्या बता रहा है। अजीब अजीब चीजें होंगी और कुछ तो डरा भी देते हैं, कई कईयों को न्यूज बताने का स्टाइल ऐसा होता है, ध्यान से देख लिए खौफनाक चेहरा। अरे भाई तुम नहीं बताओगे तो हम लोग क्या देखेंगे? नहीं इनको फिर डर लगता है सामने बैठ के देखने को, आदमी थोड़ा साइड पे होकर देखता है कहीं निकाल के फेंक के मारे ना दे कुछ। लेकिन कुछ न्यूज चैनल्स हैं जो अपना काम मुस्तैदी के साथ करते हैं, न्यूज बनाते नहीं दिखाते हैं। जी न्यूज चैनल की इसी महत्वपूर्ण भूमिका उस मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सीनियर एक्टर्स जो हैं, फिल्म एक्टर्स जो हैं, वो भी टीवी पे काम करते हैं, जैसे जोधा अकबर में मेन रोल ओमपुरी साहब कर रहे हैं,
हर एपिसोड की स्टार्टिंग में पहला डायलॉग उन्हीं का रहता है, इस सीरियल के सभी पात्र और सभी घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और जोधा अकबर ने तो यह भी प्रूव कर दिया है कि टेलीविजन किसी भी मामले में फिल्म वालों से पीछे नहीं है। आशुतोष गोवारीकर साहब 4.5 घंटे की फिल्म बना के बड़ा खुश हो रहे थे, मैंने 4.5 घंटे की फिल्म बनाई, अब टीवी वाले इनको बताएंगे कि स्टोरी को लंबा कैसे करते हैं, क्योंकि आशुतोष जी ने तो सिर्फ एक दो राजाओं की लड़ाई दिखाई ना, टीवी वाले देखना जोधा की ननद भाभी देवरानियां जेठानियां ढूंढ ढूंढ के लड़ाइयां निकालेंगे ये लोग। और जब 150 एपिसोड हो भी जाएंगे ना, उसके बाद भी आपको क्या देखने को मिलेगा। तो आज जोधा 14 बरस की हो गई, इतना लंबा खींचते हैं जी, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, कोई इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि उन्होंने इससे पहले भी अच्छी एक्टिंग की थी मर्डर फिल्म में, पर वहां माहौल ही ऐसा था, ध्यान गया ही नहीं एक्टिंग पे, मतलब जो भी है आप खुद समझदार है। और मैं अकेला ही उनका फैन नहीं हूं, जैकी चैन साहब बड़े फैन है, उन्होंने पर्सनली मल्लिका को फोन करके कहा था कि मैंने इतनी फिल्में की हैं आज तक मेरी आंखें नहीं खुली, तुम्हारी एक्टिंग देख के मेरी आंखें खुल गई। मल्लिका दीदी आई एम सो सॉरी, बट क्या करें, मार्केट में चली यही रहा है हमारा। और मेरी ऑन स्क्रीन वाइफ शमोना चक्रवर्ती, और कपिल क्या हाल है? चल चल मैं होस्ट कर रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं तेरे साथ बात करने को। मनीष तो मुझे भूल गया ना। और रागिनी क्या हाल है? हीरो बन गया मनीष पॉल के लिए, जोरदार तालियां। एक आरजे से अपना करियर शुरुआत करके और आज फिल्म में सोलो हीरो, मनीष मेरे भाई दिल से मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच यार, एक ही ताली बजी है, बड़ा अच्छा लग रहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं क्यों थैंक यू करूं, अवार्ड मुझे थोड़ी मिला, हम तो देने आए हैं। हाँ जी, किसको देने भाई? अनाउंस शर्मा जी आपको करना है। एक तो ये लड़की कैसी है, इसको होंठों से पकड़ के तो मैं अंदर लाया हूं। कपिल सही बोलता है तू यार। अच्छा मेरे सामने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहन के आई, आज आई टी है तो 1400 रुपए का सूट बनवा के आई, बात करे। अरे इतना खर्चा किया था, पीछे भी थोड़ा ज्यादा कपड़ा लगवा लेते, पीठ तेरी सारी बाहर आ रही है। और ये सुन कपिल, ये पुंत ये लेसे भी इसने बाहर खड़े के लगवाई है, बाहर वो शॉले लटक रही थी उससे काट के लगवाई है इसने। तो किसी को अवार्ड देने आई कि बेइज्जतियों का अवार्ड लेने आई? हायो रब्बा,